अच्छा जी, ये एक ना आपने अगर कोई मन्नत वन्नत मांगनी है स्वीडन में और इसके बारे में कहते हैं, करिए आपके सामने सड़क पे आ जाए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम ताबिश है और आप देख रहे हैं मेरी ये वीडियो ऑन ताशिफा यूट्यूब चैनल। आज हम जा रहे हैं इस कोने में एक यूर पार्क के अंदर। यूर पार्क बोलते हैं जू को। और ये क्रिसमस हॉलीडेज आने वाले हैं, क्रिसमस की ब्रेक शुरू हो गई है, क्रिसमस की ब्रेक शुरू हो गई है और इस वक्त हम गाड़ी में बैठे हुए हैं। हम तकरीबन कोई कितने घंटे ड्राइव करके आए हैं अभी तक? 3 घंटे ड्राइव करके आए हैं एक जू में जाने के लिए। दिस इज़ द वे, वेरी वेरी ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत रास्ता है हम लोग जा रहे हैं यहाँ पे। और अब हमने रात के वक्त यहाँ पे ड्राइव करके जाना है, जो कि काफ़ी चैलेंजिंग होगा यहाँ पे ड्राइविंग। 22 मिनट्स रह गए हैं। नाउ वी आर अराइविंग इन दिस यूर पार्क। आप लोग गाड़ियाँ देख सकते हैं, लोगों ने गाड़ियाँ ला के लगानी शुरू कर दी हैं। काफ़ी ज़्यादा पार्किंग है और मुझे ये लग रहा था कि हम बड़ी ही छोटी सी रोड से आए हैं, यहाँ पे किसी गांव में घुस गए थे हम। ले जी, फाइनली हम पहुँच गए हैं। तकरीबन 8 बजे, 8:30 बजे हम निकले थे, 9, 10, 11, 11:30, 3 घंटे में हम लोग पहुँचे हैं। और अब हमने एंटर होना है यहाँ पे। टिकट्स कितना था ना? मेरे मोबाइल टिकट्स खरीदी हुई है सना। अच्छा, कितने की आई है सना टिकट यहाँ पे? हैं ये इन्होंने पार्किंग का लिखा हुआ है। दिस इज़ द स्कोने यूर पार्क, स्कोने जू। और आप लोग देख सकते हैं कितनी गाड़ियों पे लोग आए हुए हैं। और ये है जी विंटर की, ये है जी विंटर की आउटिंग यहाँ पे। हेलो हेलो, इंडोर एक शॉप बनी हुई है, थोड़ी सी यहाँ पे गर्मी है लेकिन बाहर अच्छी खासी ठंड है आज। और तो जी ये है जी एंट्रेंस इसकी, और इधर जो है ना ये हमें तुमतन वाली मिल गई है कैप, सारी जो सी सारे बनने लगे हैं सांटा यहाँ पे। उषना सांटा बन गए हैं छोटे, उषना वाओ नाइस। ये यहाँ पर इनका एक क्रिसमस थीम है। मामू सुना, मामू क्रिसमस थीम। तो अब हम जा रहे हैं, चलो 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 चलो। ये देखें, नाउ वी आर गोइंग टू, ओ ये तकरीर कर रही है बंदी, एक बता रही कि वाई यू शुड कम हियर। ठीक है जी, और ये जो सर, हाँ जी ये इन्होंने पूरा क्रिसमस का यहाँ पे थीम बनाया हुआ है। और वो मामू चेक कर, वो तुमतन वो घर के ऊपर कैसे एंटर हो रहा है, वो चिमनी में ऊपर। हाँ, वो चिमनी के जरिए। नाइस, वो बैठा तुमतन, वो देखो। और वो तुमतन एक वो ऊपर भी जा रहा है, एंटर हो रहा है। Little bit eating time, क्या खा रही हैं आप? Pancake. और क्या लेके आए हम? Sandwiches. Nice. खा लो, आवाम आ गई है जू में फिरने के लिए और हम भी आ गए हैं। और भाई जोन सा ना वो अपने ग्लव्स भूल आया घर। कैब तो मिल गई है मुझे टुमटुन वाली यहाँ पे आके, और लेकिन ना उससे ज़रा कान शान मेरे ढक गए हैं, मैंने इसमें मेरे ग्लव्स और अपनी। हाँ अच्छा जी, ये एक ना आपने अगर कोई मन्नत वन्नत मांगनी है स्वीडन में, तो ये जो सा है ना, लोगों ने अपने बच्चों की ना जो नाप है, जो चूसनी है या पेसिफायर जिसे आप बोलें, तो इधर ना वो अपने बच्चों की छोड़ जाते हैं और उन्हें कहते हैं कि जी अब आपने वहाँ पे छोड़ दिया, अब आप अपनी चूचो या चूसनी छोड़ दें। और ये अब हम उषना को कन्विंस कर रहे हैं। नहीं देनी है उषना ने चूचो, दे दे इसको ट्री को, फिर नहीं मिलेगी, फिर और नहीं मिलेगी आपको चूचू, फिनिश हो जाएगी चूचू। वो लेना था,
क्या लेना? आपने किसी और को लेनी है? ना इतना डिफिकल्ट डिसीजन ना करवाओ मेरी बच्ची से। एक तो ये लोग ना अपने चूसनी बच्चों की यहाँ पर ऐसे छोड़ जाते हैं, उससे ये है कि जी वो बच्चे कहते हैं कि जी हमारी चूसनी छूट गई है, वहाँ पर ही रह गई है। अच्छा जी, ये एक कार्टून करेक्टर है शिवान द शीप, और उसके लिए उन्होंने यहाँ पर पूरा उसका एक थीम बनाया हुआ, वो यही सारी चीज़ें उनके कार्टून करेक्टर में भी होती हैं। और यहाँ पर उनके जो उन्होंने गाड़ी यूज़ करते हैं उन कार्टून करेक्टर्स में, और डिफरेंट चीज़ें वो यहाँ पर रखी हुई, तो बच्चों के लिए बड़ा एक्साइटमेंट है यहाँ पे, और उनके लिए बड़ी अच्छी चीज़ है यहाँ पे विजिट करना। तो ये करेक्टर है जिसका उन्होंने बनाया। इधर जी इन्होंने पूरी की पूरी एक थीम शॉप बनाई हुई है अपनी, इस जो कार्टून करेक्टर है उसके सारे करेक्टर्स की उन्होंने डिफरेंट चीज़ें रखी हुई जो कि ये कितना क्यूट है ये वाला शीट। अच्छा वो आ गए इधर, आ गए खोला स्टोन मामू, बहुत पास नहीं जाओ, खोला खलोकन। नाइस तकसमे के गुयुल इस जानवरों को खाने से मना किया है। ये देखिए गंदी तरीन जगह पे ये रह रहा है यहाँ पे, ठीक है, और ये कोई इसकी हाइजीन नहीं होती, अपनी ही फीस्ट ये खा जाता है, और इस वजह से जो सा ना इस दे आर नॉट सो हेल्दी टू ईट। ये देखें हरकतें देखें और इसकी, ये ले जी पहला जानवर नज़र आया है इस वाले ज़ू के अंदर, वो पीछे ना वो ये इस जगह पे ए आई डोंट नो वो ये एक कैट बैठी हुई बिल्ली, पता नहीं आप लोगों को नज़र आ रही चिप्स खा लो ना। और यहाँ पर आप कहाँ बैठना है? गोदी में बैठना है। यस भाइयों, एक सबक हो गया है कि अगर आपके पास सही गेयर नहीं है और सही कपड़े नहीं हैं तो आप सर्दियों में, कैन यू प्लीज़ ड्राइव इट फॉर अ वाइल, तो प्लीज़ आप लोग ना सर्दियों में इस तरह से आउटिंग करने ना आए। मैं अपने ग्लव्स ग्लव्स भूल आया हूँ, और अपने और कैप और शूज़ भी जोन से हैं, मैं अपने रनिंग वाले पहन आया हूँ, उसमें हो ये रहा है कि मेरे जोन से ना पैर बड़े ठंडे हो गए। तो ये एक सबक है कि आप लोग जब सर्दियों में स्वेटर में आउटिंग करने निकले तो आपके पास कपड़े बड़े प्रॉपर होने चाहिए। तो अभी आगे हमने डलर ना जाना है, उसमें हम लोग प्रॉपरली सारा कुछ पैक करके जाएंगे। ये है जी स्वीडन की सौगात, स्वीडन का जानवर एल्ग, एली भी बोलते हैं इसको स्वीडिश में, और इसके बारे में कहते हैं अगर ये आपके सामने सड़क पे आ जाए तो आपने इसमें गाड़ी नहीं मारनी और आपने गाड़ी अपनी साइड पे करनी है। ये अंधेरों में बहुत ज़्यादा सड़क पे आ जाते हैं, और उसकी मेन वजह ये है कि हैवी बहुत होता है, और बोनट से उठ के सीधा विंड स्क्रीन में आके इसकी पूरी बॉडी गिरती है, तो उसमें उसमें बहुत ज़्यादा ख़तरा है कि आपको कोई इंजरी बहुत बुरी हो सकती है। लेकिन आप इसकी हाइट देखें और हियर इट इज ईटिंग सम। एक और जानवर देख रहे हैं आप, हमें ये आग मिल गई थोड़ी सी, और बच्चे बैठे अब थोड़ा सा आग सेक रहे हैं अपनी। इट्स नाइस उष्णा, वो देखो खाना खा रहे हैं, और ठंड काफी ज्यादा आज। पकड़ के क्या हुआ, खुद ही जाना है?
और आप डिफरेंट जानवर देख सकते हैं नीचे, वो सारे बैठे हैं, उनको देखने के लिए आप आए हैं यहाँ पर। मैक्सिमम एक फैमिली जा सकती है, वापस नहीं जा सकते आप यहाँ से, और ये वन वे रास्ता है जी सिर्फ, और दूसरी साइड से आप निकलेंगे। पीछे वाली फैमिलीज आ रही हैं, अभी वेट कर रही हैं। और मैं बगैर पकड़े हुए चल रहा हूँ, ये जब बाबा चलते हैं तो ऐसे ऐसे ही हिलता ही है। नहीं दोस्तों, ये मेरा था एक बड़ा क्विक सा फैमिली व्लॉग, जिसमें हम स्कोने यूर पार्क गए, यानी कि स्कोने में जो जू है, स्कोने मालमो की तरफ पे है। हमें गौथमबर्ग से स्कोने जाने में तकरीबन 3.5 घंटे लगे थे। रास्ता बहुत प्यारा था, वापसी पे आते हुए भी बड़ा मज़ा आया, और ये कुछ फुटेज है जो मैंने जाते हुए रिकॉर्ड की थी। आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप यहाँ पर गर्मियों में जाएँ, सर्दियों में हमें एक तो ठंड बहुत लगी वहाँ पे, और बहुत ज़्यादा जानवर जो उनसे थे वो अंदर थे। अगर आपने ज़ू देखना है तो इससे कहीं ज़्यादा बेहतर ज़ू बोरोस का ज़ू है, काफ़ी बड़ा ज़ू है। और उसके अलावा एक और भी बड़ी प्यारी जगह है यहाँ पर जानवरों से रिलेटेड, अगर आपने कोई एक्टिविटी करनी है। इस ट्रिप में वापसी के ऊपर मुझे स्वीडन में पहली दफ़ा अगर कोई जुर्माना हुआ है, ओवर स्पीडिंग कर रहा था मैं थोड़ी सी, जिसकी वजह से मुझे बड़ा ठीक ठाक जुर्माना हुआ, और तकरीबन कोई 3,000 crown का मुझे जुर्माना हो गया। गलती मेरी थी, लेकिन ये है कि बच बचा हो गया। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, खुश रहें, मेरे लिए दुआ कर दें, और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ गिव इट अ बिग थम्स अप, और मैं आगे इस तरह की वीडियोज़ पोस्ट करता रहूँगा। बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, खुश रहें, मेरे लिए दुआ करें। अल्लाह हाफिज़।